पॉलिटिकल पार्टीज की शिकायत पर चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संदेश की ट्रांसक्रिप्ट मांगी। आयोग ने जांच के लिए कमेटी बनाई। मायावती ने पूछा, पीएम मोदी ने देश के नाम प्रसारण क्यों किया? लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाप्रचार शुरू। आज यूपी, उत्तराखंड और जम्मू में रैलियां करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बोली, पार्टी ने कहा तो चुनाव लड़ूंगी, लेकिन अभी फोकस कांग्रेस के लिए काम करने पर। कर्नाटक में आयकर अधिकारियों का छापा, निशाने पर जेडीएस और कांग्रेस के मंत्री। सीएम कुमार स्वामी ने पीएम मोदी पर हमला बोला। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी। मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों की मौत। सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, पूर्ण राज्य बनने पर दिल्ली के छात्रों को 85% सीटों पर आरक्षण देंगे। आतंकी मसूद अजहर के मुद्दे पर अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने कहा, चीन घर में मुस्लिमों को प्रताड़ित करता है, यूएन में आतंकवादियों को बचाता है। ब्रेग्जिट समझौते को लेकर ब्रिटेन की संसद में किसी भी विकल्प को नहीं मिला संसद का बहुमत। और आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की लगातार दूसरी जीत, किंग्स इलेवन पंजाब को 28 रन से हराया। चिन्नास्वामी स्टेडियम में आज बेंगलोर और मुंबई के बीच मैच।